आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसमें आपकी सारी टेंशन दूर हो सकती है। अगर आपको बार बार टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, डिप्रेशन यानी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, एंजाइटी यानी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके मन में, किसी को कुछ हो गया तो, कि कोई व्यक्ति कॉल नहीं उठा पा रहा आपका, देर में कॉल उठा रहा है, तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे, कुछ नेगेटिव थॉट्स फालतू में आते जा रहे हैं आपके मन में। तो ऐसे केस में देखो, बचपन में जब मैं छोटा था या फिर मेरे ब्रदर छोटे थे, तो हमारी मम्मी क्या करती थी कि बचपन में हमें हनुमान जी के 12 नाम बुलवाती थी, जिससे हमारी टेंशन दूर हो जाती थी और हम तुरंत नींद आ जाती थी। यानी इसमें ये उपाय भी काम करता है कि आपका बच्चा या आप रात में जल्दी सोकर एकदम सो जाते हैं, अचानक सो जाते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ गलत रिएक्शन हुआ है आपके मन में, तो जो प्रॉब्लम दे रहा है, यानी रात में अंधेरे में नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है, हनुमान जी के 12 नाम उनको बोलने, बहुत सिंपल है। इनकी आप प्रोनाउंसिएशन यूट्यूब पे देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर हनुमान जी के 12 नाम लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको डेली रात को बोलकर सोएं और डेली सुबह उठकर पढ़ें, और डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो सिंपल सी टेक्निक है हनुमान जी के 12 नाम बोलने। हनुमान जी एक ऐसे अवतार हुए थे जिसमें इसमें लिखा हनुमान चालीसा में आता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इसका मतलब हनुमान जी के नाम बोलने से भूत भी एक, ये जो एनिमी है टेंशन, ये हमारी एनिमी है, हमारी डिप्रेशन हमारा एनिमी है, हम एकदम से डर जाते हैं, ये हमारी एनिमी है, ये हमारे अंदर के एनिमी है, अपने अंदर के एनिमी से जीत लो, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।